कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महिलाओं ने रोक लिया और अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान अरुण यादव ने कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी सम्मान के तहत 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। दरअसल बुंदेलखंड की जन आक्रोश यात्रा के तीसरे दिन हटा विधानसभा क्षेत्र के गैसाबाद से अरुण यादव निकल रहे थे। इस दौरान सड़क पर खड़ी महिलाओं ने अरुण यादव को रोककर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अरुण यादव ने गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग महिलाओं से चर्चा की और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम 1500 रुपए नारी सम्मान योजना में देंगे, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट हाफ पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए देंगे। जी अपनी समझ की रहते और आपके पंचायत की सरकार आने वाली है, 1500 रुपए मिलेंगे कितने हर महीने? हर महीने बिजली का बिल आया खाली 100 रुपया, कितना आएगा? 200 रुपया। अब कितना आता है? हमारे तीन सिलाई नहीं आ सकता, फिर 2 साल हो गए। हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और 1200 की टंकी देंगे 500, तो 1500 सीधे और 500 टंकी 700 बचे। कब क्या करने लाना है इस बार चुनाव में? 1000 में लोहियानी की 15। हाँ, वो तो मम्मा तो झूठो है, मम्मा पर लोहिया गए थे, मम्मा झूठो है, हर बार मम्मा झूठ बोलता है। आप से दे दे क्यों? हाँ, तुम बैठिए। आप से दे दे क्यों? मम्मा झूठ बोल दिया ना, बटा लो बटा लो। पुल्ली पे ना, पुल्ली पे ना। एक बार ध्यान रखोगे? अच्छा, 1000 मिलने वाली है, 1000 गैस सिलेंडर 500 और हर महिला को 15, ठीक है? अस्पताल खुलवा देंगे, सरकार तो आने दो, और बिजली का बिल हाफ। गौरतलब है कि अरुण यादव बुंदेलखंड क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा के सारथी हैं और क्षेत्र के हर गांव कस्बों में कमलनाथ के वचनों को प्रसारित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, हटा।